शिवसेना नेता विजय चौगुले के जन्मदिन के उपलक्ष्य में नवी मुंबई के यादव नगर में आज कई नागरी विकास कार्यों का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर निवर्तमान नगर सेवक जगदीश गवते, राम आशीष यादव एवं बहादुर सिंह बीच समेत तमाम कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद थे। देखिए रिपोर्ट। शिवसेना नेता विजय चौगुले के जन्मदिन के उपलक्ष्य में ऐरोली क्षेत्र में कई जनसेवी उपक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर दीघा के यादव नगर में शिवसेना नेता विजय चौगुले ने जलवाहिनी और सीवरेज पाइपलाइन बिछाने का शुभारंभ किया। इसके साथ प्रभाग में गटर एवं फुटपाथ निर्माण कार्य की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में निवर्तमान नगर सेवक राम आशीष यादव, जगदीश गवते एवं बहादुर सिंह बीस्ट समेत तमाम पदाधिकारी मौजूद थे। शिवसेना नेता विजय चौगुले ने कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में केक काटा। उन्होंने नागरी विकास कार्यों को यादव नगर की जरूरत बताया और उन्हें शीघ्र पूरा करने का भरोसा भी दिलाया। झोपडपट्टी मध्ये जे काही त्यांनी संकल्प केलेला आहे, झोपडपट्टींच्या बाबतीत मध्ये जे काही गोष्टीचे काही निर्णय घेतलेत, काय घेणार आहेत, आणि त्या माध्यमातून जो झोपडपट्टी भागात झोपडपट्टी न ठेवता जर आज आमच्या संकल्पनामध्ये आम्ही प्रत्येकाच्या घराघरामध्ये नळाचं कनेक्शन, प्रत्येकाच्या घराघरामध्ये शौचालय आणि रोड रस्ते आणि गटार ही स्वच्छतावरती आमचा फार आम्ही फोकस ठेवलेला आहे, आणि त्या फोकसच्या माध्यमातून आज राम आशिष यादव यांच्या प्रयत्नाने यांच्या माध्यमातून या ठिकाणी आता संपूर्ण झोपडपट्टीत आम्ही मलनिसरण लाईनीचं आता टेंडर झालेलं आहे आणि त्याच्या कामाची सुरुवात करतोय, रस्त्याच्या कामाची सुरुवात करतोय आणि नळाच्या पाईपलाईनची सुरुवात करतोय, जेणेकरून प्रत्येकाच्या घरोघरी आम्ही नळाचं कनेक्शन देणार आहोत। वही प्रभाग के निवर्तमान नगर सेवक राम आशीष यादव ने कहा कि यादव नगर में लंबे समय से सीवरेज पाइप पीने के पानी की लाइन बिछाने की मांग चलती आ रही है जो अब पूरी हुई है। यादव ने कहा कि उनका मकसद हर घर तक पीने का पानी पहुंचाना है। यहां के लोगों को अभी भी राहत है, आप जिस रास्ते से आए हैं थोड़ा ही रास्ता छोड़ के बाकी रास्ता आपने देखा है, और पाइप लाइन लगने से हम घर घर कनेक्शन देंगे, जिसके पास टैक्स है उसको भी, जिसके पास सर्वे पावती उसको भी, और भी कुछ ऐसे नियम कानून से जो पानी हर घर को हमें देना है। तो हम चाह रहे थे कि जनता का पैसा वाया ना जाए, क्योंकि मेन लाइन दूर है उनके घर से, तो हर गली में जब पाइपलाइन लग जाएगी तो उनके कम पैसे में काम हो जाएंगे। इसके लिए हमने इस काम को थोड़ी तीव्र गति दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत।